सर, ये जो पंचायत प्रतिनिधियों का जो आप लोग मानदेय बढ़ाए वो कितना था और कितना कर दिया? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके सदस्य और मुखिया, उप मुखिया और मेंबर्स उसका भी बढ़ाया गया है। पंचायत समिति जो प्रमुख होते हैं उनका और जितना भी पंचायत समिति का सदस्य होते सबका ही वेतन मान जो है पहले से ज़्यादा कट किया गया। बीच में तो बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा चालू किया गया। अब उसको देख कर बनाना पड़ेगा। जिला परिषद के अध्यक्ष को अभी मिलेगा 12,000, जिला परिषद के उपाध्यक्ष को 10,000, पंचायती समिति प्रमुख को मिलेगा 8,000, पंचायत समिति के प्रमुख को मिलेगा 4,000, पंचायत समिति के मुखिया को 2,500, ग्राम पंचायत के मुखिया को 1,200। जिला परिषद के वर्तमान सदस्य जो हैं उसको 1,500 से बढ़ाकर 2,500, पंचायत समिति को जो सदस्य है 7,500 से 1,000, ग्राम पंचायत के जो सदस्य है 200 से बढ़ाकर 500। ये था पहले जब पंचायती राज का शुरुआत हुआ था तो फर्स्ट ईयर उन लोग 1,000 देने के काम किया था, फिर दूसरे साल इन लोगों को 500 कर दिया, उसके बाद 0 कर दिया था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जब चुनाव हम लोग ने कराए, उसको लगा कि सभी जनप्रतिनिधि को जाने आने का जो है दिक्कतें भी होते हैं, ब्लॉक जाते हैं ग्राम पंचायत से या जिला से, जो जिला परिषद का सदस्य है जिला जाना पड़ता है, तो कन्वीनियंस का भी हम लोग उसमें ही किए। उसमें जैसे आप पहले 10 रुपया मिलता था आपका ट्रांसपोर्टिंग, उसके बढ़ाकर हम लोगों ने जो है 5 रुपये से 10 रुपया हम लोग कर दिए और उसी तरह वेतनमान हम लोग निर्धारित किए ताकि वो जनप्रतिनिधि को साफ सुथरा से चले और जनहित का काम करे। टोटल कितना प्रस्ताव रहा? 31। उसमें हमारा एक नया प्रस्ताव जो हम लोगों ने लिए थे, राजसंपोषित योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक बार करने के बाद उसका लाइबिलिटीज कोई नहीं लेता, 5 साल तक लेने के बाद वो लाइबिलिटीज भारत सरकार कभी नहीं लिया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चलने की दिक्कत हो रही है, तो वैसे रोड को चिन्हित करके खुद स्तर पर उसको मरम्मतें हम लोग कराएंगे और उस सड़क का नाम जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड लव जिहाद की फैक्ट्री बन चुका है। अब इसके बारे में वही लोग बेहतर, हम तो जानते हैं कि हम लोग सबको लेकर चलते हैं और छोटी मोटी चीज़ों को ज़्यादा उछल कर राजनीतिक फायदा कोई ना लो। अब देखना पड़ेगा क्या है मैटर, पूरी जानकारी नहीं करके किसी पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बीजेपी का तो